हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। सो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ अपने गांव, और मेरे गांव का नाम है कपकोट, जो कि बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है और उत्तराखंड में, आप सबको पता होगा। और बाकी जो आपको मेरे पीछे पहाड़ी दिखाई दे रही है, वहां पर मेरा एक गांव है, तो पहाड़ों के बीच में है, तो मतलब हम वहीं जाने वाले हैं आज। और बाकी हमारा एक घर है मार्केट के साइड में, तो गाँव में पूजा होने वाली है, और काफ़ी टाइम के बाद पूरी फैमिली से मिलूँगी। एक साल बाद मैं अपने गाँव जा रही हूँ, सो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं गाँव में जाने के लिए। और आप लोगों को भी मैं अपनी पूरी फैमिली मेम्बर से मिलाऊँगी आज, सो मेरे ब्लॉग पे एंड तक बने रहिए। गाइस, यहाँ पर ऐसी नहर होती है गांव में, इससे गेहूं की सिंचाई की जाती है इस पानी से, इसलिए अभी दिखा रही हूँ ना, पहले चल लो, एक तो रास्ता गंदा है। तो ये रही लक्की और मम्मी, जो मेरे साथ गांव में आ रहे हैं, और मम्मी पहाड़ी स्टाइल में आ रही है गांव में, सर में बोझा रख के। सो ये पानी जाएगा गेहूँ के खेत में, और ये सारी गेहूँ, मम्मी गेहूँ ही लग रहे ना खेतों में, और ये पानी जा रहा है सारे खेत में, कपकोट के पूरे खेत में। बाकी ये रही लक्की, कैसा लग रहा गांव जा रहे हम एक साल बाद? बहुत अच्छा लग रहा है ना, और मम्मी भी बहुत एक्साइटेड, हमसे पहले चलेगी। बाकी हमारा गांव बहुत ज़्यादा दूर, अभी हमें बहुत ज़्यादा चलना है ना, अभी से थक गए हम लोग। तो हम गांव क्यों जा रहे लक्की, बताओ, मेरे सब्सक्राइबर जानना चाहते हैं। क्योंकि ना हमारी दो रात की ना पूजा है, जिस पे ना देवता आते हैं, और उस पे ना मतलब जैसे बोन फायरिंग होती है ना, तो वैसे आग जलाते हैं, और उसके चारों तरफ लोग बैठते हैं, और एक मंदिर। बस इतना ही बताना था, बाकी आगे को मेरे ब्लॉग के थ्रू पता चल जाएगा सभी को। गाड़ी में उल्टी करते करते हम कपकोट पहुंचे हैं बहुत ही मुश्किल से। और बाकी हम, मेरा गांव देखो कितना सुंदर है, अभी मेरा गांव नहीं है, अभी मेरा रियल वाला गांव में ही हम जा रहे हैं। बाकी देखिए कितने शानदार पहाड़ है यहाँ, मस्त। और मम्मी पूरे रास्ते भर अपने दोस्तों से बात करते करते आ रही, कोई भी मिल रहा है 5 मिनट वहाँ पे खड़े रह के बातें कर रही है, जिससे हमको गांव जाने में थोड़ा सा लेट हो गया है। कोई भी मिलता है तो 5 मिनट बात ही करने में रहते हैं। हाँ, हम यहाँ से पानी भर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्योर होता है गाँव का शुद्ध पानी, और बहुत ठंडा भी हो गए, पीने में मज़ा आता है। अच्छा हाँ, सर्दी में गर्म आ जाता है पानी, और गर्मियों में ठंडा पानी आता है। ये पहाड़ों के पानी की खासियत है, हम पियेंगे मस्त पानी। कितना भौंक रहा है इन पे, बंधा हुआ है वैसे हो। सो गाइस, जहाँ साइड आपको धूप दिख रही है, हम वहाँ से आए हैं, और वहाँ पर अभी भी धूप है, और बाकी हम जहाँ पर पहुँचे वहाँ पर पूरी छाया आ चुकी है, और बाकी हिमालय दिखाई दे रहा है यहाँ से। और जब मैं गांव पहुँचूँगी वहाँ से तो और सुंदर दिखता है हिमालय का नज़ारा। सो चलते हैं अभी ऊपर। मुझे ये सीन ऐसा लग रहा है जैसे हम पहले बनाते थे जब हम छोटे थे ना, तो सीनरी वगैरह बनाते थे, तो ऐसे ही पहाड़ वगैरह बनाया करते थे, तो सेम वही लग रहा है अभी। फिर से गांव में कोई भी मिलता है ना, बातें करनी स्टार्ट हो जाती है। अब 10 मिनट यहीं पे काटेंगे, और इस चक्कर में हम लोग बहुत देर में पहुंचने वाले हैं घर। फिर से बातें शुरू। अच्छा, वो बता रही थी। गांव में इतनी मेहनत करते हैं, और मैं कभी लेकर आए इतना घास, आज लेके आती। हाँ, गांव में हम ऐसे ही काम करेंगे अब। मम्मी के 10 मिनट तो यहीं पे, चलो। और इसको मिल गया है एक पपी, उसके बाहर नहीं जाना, मेरे पास ही आएगा। गाइस, यहाँ पर है माँ का मंदिर, और यहाँ पर हर 3 साल में मेला लगता है, तो गांव में तो हर जगह 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 पे हमें मंदिर देखने को मिलता है। तो गाइस, मैं पहाड़ी के काफ़ी ऊपर आ चुकी हूँ, और थोड़ा सा थक गए हैं, और बाकी हमारा कपकोट का प्यारा व्यू दिखाई दे रहा है। और जो मेरा गांव है वो कपकोट से काफ़ी ऊपर है, जो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था ब्लॉक के स्टार्टिंग पे, तो हम उस पहाड़ी की ओर जा रहे हैं अभी।
गाइज मैं पहुंचने वाली हूँ अपने गांव, और बाकी अभी हमारे गांव तक रोड आ गई है। और जब हम छोटे छोटे थे ना, गांव आते थे तो रोड नहीं बनी थी, लेकिन अभी हमारे गांव तक पूरा रोड जाती है, तो फिर मतलब अच्छा है, हम गाड़ी में आ सकते थे, लेकिन ऐसे गाड़ी तो मिलती नहीं हमें, तो इसलिए हम पैदल ही आए। सो गाइज हम अभी घर पहुँचने वाले हैं, हम फाइनली अपने घर पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे लगे हैं नींबू, और यहाँ से सुंदर पहाड़ दिख रहा है, और ये रहे मम्मी और गरिमा जो कि मुझे पीछे छोड़ चुके हैं क्योंकि मैं चल नहीं पा रही। हम पहुंच चुके हैं अपने गांव, पहुंच चुके हैं, जो कि ये है गरिमा, ये रही हमारी पहाड़ी बाखली, और आज रात को पूजा होने वाली है, घनाई लगेगी, तो तैयारियां हो चुकी हैं, अभी तैयारियां हो चुकी हैं, पहुंच गए हैं, यहाँ पर घनाई लगेगी आज रात को। यहाँ से व्यू दिख रहे हैं, मैं पहुंच चुकी हूँ अपने गांव, जो कि पहाड़ी बाखली बोला जाता है गांव में इसको, जैसे बहुत सारे घर होते हैं ना तो उनको बाखली बोला जाता है। और यहाँ पर रात को पूजा होने वाली घनाई लगती है, तो यहाँ पर आग जलाते हैं, फिर देवता को बुलाते हैं जागर लगाने के बाद। ये सबके लिए बना रही है यहाँ पर चाय, पहाड़ों में ऐसे बनाते हैं चाय, धुआं नहीं लग रहा। और यहाँ पर अम्मा, आप क्या कर रहे हो? हाग नहीं है वो, हल्द है, हल्दी है, तो अम्मा घर हल्दी पीस रही है, हल्दी का। और यहाँ पर सब्जी बन रही है, सब लोग सब्जी बना रहे हैं, हाँ लाइट का काम हो रहा है, सारे विभाग में काम करने वाले, और यहाँ पर सब्जी छिल रहे हैं सब, आज सब एक साथ खाना खाएंगे पूरे गांव वाले। गाइज हमारे गांव में यहाँ से पानी भरते हैं हम लोग, और यहाँ पे कपड़े भी धोती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी आता है। ये गांव से कुछ इस तरीके का व्यू दिखाई देता है, ऐसा लग रहा है जैसे हम बचपन में प्राकृतिक दृश्य नहीं बनाते थे, वैसे ही नेचर है, सेम नेचुरल सीनरी नया। और ये है इट्स पहाड़ है ना गाइज, गुड्डू का जो चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और गुड्डू को स्टार बनाओ हमारे। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के उड़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की तुझको ये की बेटी तनु। हाय बुआ, बुआ हूँ मैं आपकी, कर दे हाय। गाइस आपने मेरी बुआ का चैनल सब्सक्राइब करा, बोलो इनसे हाय टाटा। तो करते फिर टाटा। यहाँ से बहुत मुश्किल से लकड़ी निकाले, ये हमारे लकड़ी का खया बोलते हैं पहाड़ी में, सो मैं यहाँ से लकड़ियाँ ले जा रही हूँ किचन के लिए, ले जा रही हूँ मतलब मैं किचन में चाय बना रहे ना हम, तो
चलते हैं। सो गाइस गरिमा आपको कैसी लग रही है काम करते हुए? अच्छी लग रही हूँ, मैंने शादी की आदि यही तो करना है। चल किसको बंद कर दे। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के उड़ के उड़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, देखो कितना मस्त लग रहा है। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के उड़ के उड़नी। खा रहे कैसे लग रहा चारू? कौन है? तू कौन है? अच्छा हो रहा ना? यहाँ पर हम लोगों ने खाना खा लिया है। दादा आपने खा लिया खाना? खा लिया, हम लोग खिला रहे हैं। भाभी को दे रहे हो खाना? सब्जी लगाई वहाँ सब्जी है। धो दिए बर्तन? मैंने खा भी लिया। हाँ लगा ये चाची मम्मी। हाँ बर्तन धो रहे हैं। तो कौन है यहाँ पर? सब लोग बर्तन धो रहे हैं। और नीचे से व्यू अंधेरे में नहीं दिखाई देगा, यहाँ से नहीं दिखता है। जो मैं दिखाई नहीं दिखा के ना जा कुछ सब तो बोल देना। जी हेलो गाइस, हेलो छो कैसे हो? कौन बना रहा है? ये मैं बना रहा हूँ ना यार। सो गाइस यहाँ से देखिए भराड़ी का व्यू और ये रहा चारू। अरे है पंकज यहाँ पे देखो। आते आते दोनों के दिल पास आ गए।